जीतनराम मांझी हमारे साथ हैं। जीतनराम मांझी जी, अभी अभी आपने एक पोस्ट किया है कि खेला आज ही होगा। हम जो पहले कहा था कि खेला होए, खेला होगा, खेला होखे, ये सबका एक मूर्त रूप होते हुए दिख रहा है। 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में हमने समय नियत किया था और वो कोई आधार ऐसा नहीं था कि हम किसी से बात करके किया था। हम चूंकि नीतीश कुमार को जानते हैं और भारतीय राजनीति में जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं ज़्यादा धर्म भीरु होते हैं। 20 जनवरी के बाद अच्छा समय माना जाता है राजनीति का, और आपने देखा होगा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति का हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो एक मुहूर्त था। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया भारत रत्न की उपाधि उनके जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर। तो ये सब ऐसा समय था कि जिसको अच्छा समय लोग मानते हैं, तो नीतीश कुमार भी सब मान उनके चलते हैं। तो हमने सोचा था लालू प्रसाद से, यानी महागठबंधन जो है एनडी है, उससे अब नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया। इनको तो शुरू में ही मान लेना चाहिए था। पटना में जब लालू जी ने कहा था राहुल जी को कि राहुल जी आप शादी करो, हम लोग बारात रहेंगे, उसी दिन इनको समझ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं समझे। ये सब कैलकुलेशन के आधार पर हम बोले थे कि निश्चित है कि 20 से 30 के बीच में कोई ना कोई खेला होगा। सभी अपने विधायकों को पुनः बुलाया उन्होंने कि आज शाम तक के सबको चले आओ बाहर से सो। तो ये सब बात को देखते हुए हमारे मन में एक प्रश्न उठा, तो हमने पोस्ट डाल दिया क्या आज ही खेला हो जाएगा, क्या खेला हो जाएगा आज खेला, तो इसीलिए तो हमारे मन में भी प्रश्न उठाया लगता है खेला आज ही हो जाएगा क्या। जीतनराम मांझी जो हैं कुछ भी सोच समझ कर कहते हैं, और वो पहले से जो भी कहते हैं वो सच होते आया है। और जीतनराम मांझी ने कहा है कि खेला आज ही होगा, यानी कि बहुत कुछ आज होने वाला है। कैमन विजय के साथ अतुल बंसल, जी मीडिया पटना। तो सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है।